वली होता कौन है? हमारे माशरे में वली वो होता है जो सर से लेकर पैर तक बरहना, जिसे हम नामे शाह का नाम देते हैं। हमारे माशरे में वली वो होता है, ये अजमी माशरा, पाकिस्तान का माशरा, हिंदुस्तान का माशरा, जो हवा में उड़कर दिखाए। वली वो होता है हमारे माशरे में जो करामते कर दिखाए। वली वो होता है जो ऐलान करे, जो चाहो मांगो, महबूब तुम्हारे कदमों में बड़े बड़े इश्तिहार छापता है कि अल्लाह का वली है, इसने 40 साल बंगाल के जंगलों में चिल्ले काटे। हमारे माशरे में वली वो होता है जिसका सर छोटा हो, समझ डोगा हो, डोले शाह की चूही बना हुआ हो। हमारे माशरे में वली वो होता है जैसे हमारे शहर में एक बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही वो मार्केट में आ गया है वली बनकर। करामत क्या है? इस हाथ की उंगलियां पीछे, इस हाथ की उंगलियां पीछे, पांव की उंगलियां पीछे, बाएं पांव की उंगलियां पीछे, ये बहुत बड़ा वली है। जो मंसूब हो, जिसकी ये अकल खराब हो, न तहारत का पता, न खाने पीने का पता, न अकल, हमारे माशरे में उसे साईं कहा जाता है। और फिर जिंदा इंसान, अकलमंद इंसान उसके दरबार पर पहुंचकर उसकी वलायत देखकर, उसकी करामते देखकर, उसके साथ पर एक ताल्लुक कायम कर लेते हैं। जी ये कौन है? ये अल्लाह का वली है। शरीयत वली किसे कहती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन वली किसे कहते हैं? वली होता कौन है जो शरीयत पर चलने वाला हो? जो शख्स शरीयत का पाबंद नहीं, वो अल्लाह का दोस्त हो सकता? याद रखिए, जितना बिगाड़ हमारे माशरे में इन सैयदों ने, इन पीरों ने, इन फकीरों ने, इन मजलूमों ने, हमारे माशरे के कलमा पढ़ने वाले लोगों का अकीदा बर्बाद किया, किसी और ने नहीं किया। यूं कह लीजिए, यहूदियों ने और ईसाइयों ने इस्लाम को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान इन कबर परस्तों और मफाद परस्तों ने उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत को पहुंचाया। और रब क्या कह रहा है? इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह का वली, उसके लिए दो इनाम। पहले ये अकीदा बनाए, फहम हासिल करे, अल्लाह का वली होता कौन? पहले ये तराजू लगाए, जो शरीयत का पाबंद होता है वो अल्लाह का वली होता है। आप जितने अफराद बैठे हुए, जितने जितने शरीयत के पाबंद हैं,
अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले, दीन को फैलाने वाले, ये सब अल्लाह के वली हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मेहमान आए, आपने फरमाया कौन है जो इन मेहमानों की मेहमानदारी करे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर ये मेहमान मुझे दे दीजिए, नबी के मेहमान मेरे मेहमान। घर ले गए, घर ले गए, सारी कायनात के वलियों को एक पल्ले में बिठाओ और दूसरे तराजू के पल्ले में अकेले अबू बकर को बिठा दो, पर्दा सिद्दीक का भारी होगा। अब खाने के लिए अब्दुल रहमान अपने बेटे को कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल रहमान जी अब्बा जान ये मेरे मेहमान है, इन्हें खाना खिलाइए। बिठाया गया, खबर ये मिली कि घर में एक रोटी का आटा, एक रोटी का आटा। जहन में ये आया कि अगर हम सब खाना खाने बैठ गए तो मेहमान भूखे रह जाएंगे। अब्दुल रहमान को कहा आप इन्हें खाना खिलाइए और चुपके से घर से निकलकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चले गए। अब्दुल रहमान ने खाना लगाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेहमान कहने लगे अबू बकर किधर है। कहा वो तो घर पर नहीं है, वो तो मस्जिद में चले गए। कहने लगे हम उसके बगैर खाना नहीं खाते। और अबू बकर क्यों गए कि खाना, बोलो खाना कम है, खाना कम है, ये बात याद रखिए। वो इसलिए चले गए ताकि मेहमान पेट भरकर खाना खा सके। काफी देर के बाद मेहमानों ने कहा हम उसके बगैर नहीं खाते। उधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदाजा लगाया कि रात का भी बीत चुकी है, मेहमान नवाजी हो चुकी होगी, अब मैं घर चलता हूं। घर आए तो मेहमान बैठे, पूछा खाना नहीं खाए। कहा नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं खाया। वहीं से गुस्से के आलम में अपने बेटे अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु तआला का आवाज दी अब्दुल रहमान, और वो वालिद की डर से अंदर वाले कमरे में छुप गए कि डांट पड़ेगी और मार पड़ेगी। वालिद ने फिर कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल रहमान ऊंची आवाज में कहा अब्दुल रहमान, तीसरी मर्तबा कहा अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बाहर आओ। वो आए और अर्ज की अपने मेहमानों से पूछ लीजिए मैंने खाना लगा दिया था, इन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया कि हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के बगैर खाना नहीं खाते। अगर यहां पर हमारी औलाद होती तो हम वालदैन में ये जुर्रत है, सोचिएगा जरा। वैसे हमारी औलाद बड़ी फरमा बरदार है, जरा एक घंटे के लिए उससे मोबाइल ले लें, कोई लाओ मेरे पास जमा करा दो, आज तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, सारे दिन के लिए उससे मोबाइल ले लो, फिर
फिर उसकी फरमा बरदारी देखिएगा, कितना फरमा बरदार बाप है, कितना फरमा बरदार बाप है। कमाल का वो शख्स, वालिद भी सहाबी, बेटा भी, बाप भी सहाबी, फिर आगे बेटा भी सहाबी, अबू कहाफा भी सहाबी और अबू बकर भी सहाबी और अब्दुल रहमान भी सहाबी, नस्ल दर नस्ल पैगंबर को ईमान की हालत में देख रहे हैं। लेकिन फरमा बरदारी की इंतहा है, शादीशुदा साहिब औलाद है और वालिद से डर कर अपने कमरे में छुप गए। दुआ करो अल्लाह भी हमें ऐसी ही फरमा बरदार औलाद नसीब फरमाए। उन्होंने पूछा तुमने खाना क्यों नहीं खाया, कहा हमने आपके बगैर खाना नहीं खाना। गुस्से की कैफियत में दे, कहा अल्लाह की कसम मैं खाने नहीं खाता। मेहमानों ने भी कहा अल्लाह की कसम हम भी खाना नहीं खाते। गुस्सा ठंडा हुआ और अब खाना लगा दिया, कहा चलो ये कसम लगभग लव कसम खाइए, छोड़ो इसको आओ खाना खाते। जब खाना शुरू किए तो एक जो चपाती थी वो खत्म हो गई। जो ही वो खत्म हुई उस बादशाह ने नीचे दूसरी चपाती रखा दी। दूसरी खत्म हुई है, उस अल्लाह ने तीसरी चपाती रख दी। खाओ, अबू बकर को पता नहीं था खाना कब था। मस्जिद नबवी में इसलिए तशरीफ ले गए मेहमान भूखे न रहे। जब सब मिलकर बैठे खाना खाने के लिए, आसमान वाले ने अबू बकर की करामत ये दिखाई, घर वाली की ये करामत के अबू बकर पूछते उम्मे अब्दुल रहमान ये क्या है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। वो अर्ज करती है अपने खामिद और शौहर को, ये अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतों का नजूर हो रहा था। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह का जो वली होता है उसे करामत की खबर नहीं होती, वरना अबू बकर अपना घर छोड़कर ना जाते, बेटे को ना डांटते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस करामत को इल्म उनको नहीं था। हमारे मुआशरे में जो वली है ये करामतें दावे से जाहिर करते, इससे ये बात साबित होती है। अब ईमानदारी से बताइए कि इन वलियों का मकाम जो हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ रंगों की सूरत में मौजूद है, या अबू बकर का मकाम अल्लाह के हाथ आना है। हर पहले ईमान करेगा कि सारी उम्मत को नबी के बाद अगर कोई मकाम है तो वो अबू बकर सिद्दीक का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सारी उम्मत को एक पर्दे में बैठा दो और अकेले पर्दे में अबू बकर सिद्दीक को बैठा दो, उसका पर्दा फिर भी खाली रहे। उसके लिए रब ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह अगर रहना, बेशक अल्लाह के वली। साबित क्या हुआ, साबित यह होगा अल्लाह का वली जो दावा करके करामत को दिखाए वो अल्लाह का वली नहीं होता। आपका ये शुभ वाली सरकार दावा करता है, बकायदा ऐलान करता है, वीडियो बनाता है कि मैं आप करामत दिखाने लगा हूं, फिर करामत दिखाता भी है।
जिन्नात को भगा देता है, दावा करता है। यह दावा करके करामत दिखाना ना रब के कुरान से साबित है, ना पैगंबर की हदीस से साबित है, गोया ये अल्लाह का वली नहीं है। इसी तरह सिर्फ यही नहीं, मैं सैयद हूं, मैं ज़ैदी हूं, मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का अदना से खादिम हूं, मैं शरीयत का एक अदना से तालिब इल्म हूं। मेरा ऐलान ये है, मेरा चैलेंज ये है, इन कब्रों पर, इन मकबरों पर, इन दरबारों पर, इन आस्थानों पर जितने ये मजावर बैठे हुए, इनमें कोई भी रब का वली नहीं है। दलील क्या है तहारत से आरी, दलील क्या है शरीयत से आरी, दलील क्या है बेनमाज, दलील क्या है चर्स और भंग के अंदर धुत, नशे के अंदर पड़े हुए ये लोग अल्लाह के वली हो सकते नहीं। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत का पाबंद है, शरीयत का पाबंद है। उनके लिए रब ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग करामते बयान करते हैं, अगर वो करामत कुरान के मुताबिक है, अगर वो करामत पैगंबर की हदीस के मुताबिक है, बंदा भी शरीयत का पाबंद है, मुशरिक नहीं, कबर परस्त नहीं, ताबीज फरोश नहीं, मक्के पहने हुए नहीं, तो फिर याद रखिएगा अल्लाह ने उसके लिए इनाम रखा है ला खौफ वला हुम यहज़नून। उसे आगे जाने पर कोई खौफ ना होगा और दुनिया छोड़ने पर वो गमगीन ना होगा। ये जो मार्केट के अंदर करामतें मौजूद है कि एक शख्स अब्दुल हकीम शहर में बैठा हुआ है, दिल्ली से जमात चलकर आती है 21 22 23 जून को मेला लगता है, उर्स होता है, नंगे पैर इंडिया के शहर दिल्ली से एक जानवर को लेकर चलते हैं और 21 जून को खानेवाल जिला में अब्दुल हकीम शहर के अंदर पहुंचते हैं। उनका दावा यह है कि हमने दिल्ली में एक मस्जिद बनाई। करामत सुनिएगा, हमने दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनाई और मस्जिद की जो ये किबले वाली दीवार है, ठेकेदार ने, मिस्त्री ने टेढ़ी कर दी। अब इतना पैसा लग गया था, वहां से जमात चली तो इस बात पे अब्दुल हकीम के पास पहुंची। ये धोबी थे, कपड़े धो रहे थे, अर्ज की कि हमारी मस्जिद की दीवार टेढ़ी हो गई है, वो सीधी कर दीजिए। इन्होंने यही बैठे हुए पाकिस्तान से वो जो कपड़ा पानी का नचोड़ रहे थे, उसे जोर से नचोड़ा, वो कपड़ा फट गया। कहा जाओ मस्जिद की दीवार सीधी हो गई है लेकिन फट गई। मुझे ये बड़ा शौक था, मैं दिल्ली के एक शख्स से मिला जो हनफियों का आलिम था, खानेबाद शहर में रेलवे स्टेशन की मस्जिद पर पुल पार पर वो इमाम था। मुझे खबर मिली ये महाजिर है, दिल्ली से आए हुए बुजुर्ग है, आलम दीन है। मैं चल कर उसके पास गया, मैंने पूछा कि दिल्ली में एक मस्जिद बनी थी। कहा हा हा, जिसने जिस बाप ने उसकी दीवार सीधी कर दी थी। मैंने कहा ये सच है, कहने लगा झूठ है, मैं उस शहर का वासी हूं। ये करामत यहां मशहूर की, कौन इंडिया जाए, कौन दिल्ली पहुंचे,
منسوخ کر دیے دنیا کی کس کتاب کے اندر ہے، کس نے دیکھا، کون سا وفد آیا، پھر وہاں سے قبر پر چلتے اور اس کی قبر پر انڈین گائے کو ذبح کرتے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں چھٹے پارے کے اندر غیر اللہ کی نظر اور نیاز حرام ہے، جس جگہ پر حرام اللہ کی نافرمانی، بغاوت، غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز، قبر سے دعا، قبر والے سے سوال، قبر والے سے التجا، قبر والے سے مانگا جا رہا ہو، وہاں پر اللہ کی ولایت رب کا کوئی بلی ہو سکتا؟ الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کا ولی کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے پاس دو بھائی آئے، دونوں مسلمان ہوئے، جانے لگے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر رب سے دعا کیجئے کوئی نشانی مل جائے تاکہ قوم کو جا کر اللہ کی توحید سنائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، وہ چلے، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ اس پیشانی پر ایک لائٹ، روشنی۔ اس نے دعا کی رب سے، اللہ یہ پیشانی سے لائٹ ہٹا کر اس ڈنڈے کے اندر منتقل کر دے۔ جا رہے ایک پہاڑی پر چڑھے، دونوں بھائیوں کے، مسلمانوں کے، پیغمبر کے شاگردوں کے راستے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈنڈے کو لے کر اس ڈنڈے کے ساتھ لگاتا ہے، اللہ اس میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انہیں پتہ نہیں تھا، دعا کی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ ولی کو کرامت کی خبر نہیں ہوتی، کرامت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ نے وہ لائٹ ان کے اعصاب میں منتقل کر دی اور وہ رات کی تاریکی میں اس روشنی سے اپنے گھر کو چلے گئی۔ ایسے ولیوں کے لیے خبر یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا تمہیں کوئی کرامت دکھائے، ہمارے ہاں ایک کرامت بڑی مشہور تھی، جب ہم حدیث نہیں تھے، ابا جی سنایا کرتے تھے رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسا، وہ سناتے تھے کیا کہ ایک ہندو آیا اور ہمارے سید کے پاس بیٹھا اور کہا کچھ دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ سید نے کہا پہلے تم کچھ کر کے دکھاؤ۔ وہ ہندو وہیں بیٹھے بیٹھے جھلاں ماری سید کے سامنے اڑتا پھر ہوا میں۔ مرید کہنے لگے واہ شادی، کچھ کر کے دکھا، یہ تو ہوا میں اڑ رہے۔ اس سید نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا جاؤ اس کے سر پر اس کی مالش کر کے اسے نیچے اتار کر لیا۔ جوتیاں گئی ہوا میں، مارتے ہوئے نیچے لائی، اس ہندو نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ کرامت بیان کی جاتی ہے کس کتاب پہ، کس نے لکھا ہے، کس نے دیکھا ہے۔ جب ابا جی اہل حدیث ہو گئے میں نے پھر پوچھا ہم بھی اہل توحید ہو گئے، وہ ایک آپ نے کرامت بیان کی تھی ہمارے ہی بزرگوں کی، کہا مجھے بھی میرے بزرگ نے بیان کی تھی، اسے بھی اس کے بزرگ نے بیان کی تھی، اسے اس کے بزرگ نے بیان کی تھی۔ کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں ہے، کس قرآن میں ہے؟ اگا
अगर ऐसे ही कलमा पढ़ाना होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे खा रहे हैं, दंडाल मुबारक शहीद हो रहे हैं, चेहरा पर सख्त भी हो रहा है, सर के ऊपर पीठ पर ओढ़नी डाली जा रही है, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ओढ़नी को हटा रही है, पैगंबर के कंधे में कपड़ा डालकर बल दिया जा रहा है, पैगंबर से सवाल किया जा रहा है, हम तुम पर ईमान ले आएंगे अगर मक्का के इस सहरा को सरसब्ज कर दे, इस पहाड़ को सोने का बना दे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था, वो बना देता। अल्लाह ने क्या कहा, इनको कहो मैं तो बशीर और नदीर बनाकर भेजा गया हूं, इन्ना अरसलना का बिल हक्की, मैं तो हक के साथ भेजा गया हूं। वो हक क्या है, अल्लाह की किताब, मैं डराने वाला हूं, अल्लाह की किताब से मैं खुशखबरी देने वाला हूं, अल्लाह की किताब से अला इन्ना औलिया अल्लाही अगा रहना, खबरदार अल्लाह का वली कौन होता है, उनके लिए कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं। पहले वली की शनाख्त तो करो, वली किसे कहते हैं। मैं एक वली से मिलने गया, आज बात ही यही चल पड़ी है, मैंने वली के पास जाकर बैठ गया, सारे लोग बैठे हुए हैं, रात का 1 बजा हुआ है, मैं उस पीर साहब की जो चारपाई थी उस पर चढ़कर बैठ गया, सारे मुरीद नीचे बैठे हुए, उनका खलीफा दौड़ा और कहा शाहजी नीचे उतरो, मैंने कहा नहीं, वो पीर नहीं कहा, कहा मत उतार मत उतार, ये सैयद है, और सारे नीचे बैठे हुए, वो कौन है, उम्मती, हम कौन है, सैयद, आप कौन है, बोलो उम्मती, मैंने अपने आप को उम्मत से ही निकाल दिए, कितनी बेवकूफी है, हम सब कौन है, नबी के उम्मती, ये जो चक्कर है, मुरीद नीचे बैठेगा और पीर ऊपर बैठेगा, आ तुझे एक वली की बात सुनाता हूं, तुमने वली देखे ही नहीं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह का वली है कि नहीं, मुशरिकीन ने कहा बैतुल मक़द्दस की चाबियां हम तुम्हारे खलीफा को देंगे, बुलाओ उसको, बहुत जंगे लड़की, बड़े लोग मर गए, हम सब मिलकर उसका इंतजार करते हैं, हम चाबियां उसके हवाले कर दें। अमीरुल मोमिनीन को बुलाया गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन जब पहुंचे, अल्लाह अकबर, उनके इलाके में ऊंटने की नकेल हाथ में पकड़ी हुई और सवार गुलाम है, अल्लाह का वली गुलाम है, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन बड़े बड़े काफिर जमा है, यहूदी जमा है, बनी इसराइल की औलाद जमा है, और बड़े नफीस लिबासों में मखमल के अंदर, और आपका लिबास, आपकी सवारी और आपकी हालत, आपने ये क्या बनाई हुई है, कहा जब हम घर से निकले मैंने अपने गुलाम से तय किया था इतना सफर मैं संभाल रहूंगा, तू नकेल पकड़ेगा फिर मैं चलूंगा, तू संभाल रहेगा, अब जब हम इनके इलाके में पहुंचे तो अब बारी मेरे सवार की है, मेरे गुलाम की है, अदल का ठिकाना ये कि वह संभाल रहे, और अकल का ठिकाना
सैयद सवार हो और मुरीद के हाथ में नकेल हो। और मैं ये नहीं हो सकता अबू उबैदा, क्या तू जानता नहीं है ला इज्जत इल्ला बिल इस्लाम, कपड़ों में इज्जत नहीं है अबू उबैदा, सवारियों में इज्जत नहीं है अबू उबैदा, अल्लाह ने हमें इज्जत दी। मैं मक्के का चरवाहा था, बकरियां चराता था, ला इज्जत इल्ला बिल इस्लाम, इस्लाम के जरिए अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। मैं ऐसे ही रहूंगा। जब उनके करीब पहुंचे उन्होंने कहा, लिबास को देखकर 12 बेमत लगे हुए, हमारी तौरात में लिखा है एक दिन आएगा खत्ताब का बेटा होगा, उम्र फारूक होगा, खलीफा है दूसरा होगा, दो खलीफा होगा, और उसके लिबास पर जब वो हमें मिलने आएगा नकेल उसके हाथ में होगी, उसका सवार सवार होगा, उसका गुलाम सवारी कर रहा होगा, अमीरुल मोमिनीन हाथ में रस्सी पकड़े हुए आएगा, और उसके लिबास पर 14 बेमत लगे हुए होंगे। ए उमर फारूक, 12 तो हमने गिन लिए, 2 कम है। आपने दामन उठाया और 2 बेमत दिखा दिए, कहा तौरात में उमर तेरी सिफात का जिक्र है, ये बैतुल मक़द्दस की चाबियां है, हम तुझसे लड़कर जीत सकते। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का वली कहा अल्लाह के पैगंबर ने, और हम इन वलियों को तलाश करते। ये वली कौन? मासूम शाह बुखारी। नाम सुनिएगा वलियों के, कद्दू शाह। नाम सुनिएगा इनका नागे शाह। नाम सुनिएगा इनका खम्बे शाह। कैसी कौम है, कैसा अकीद है, कैसा ईमान है, तुम इनको वली मानते हो जो बराना फिरते हैं, इनको वली कहते हो जो एक रोदा नहीं रखता, इनको वली कहते हो जिसके मुंह से गंदगी बह रही है, इन्हें वली कहते हो जिसे तहारत की खबर नहीं। आप जिनको रब वली कहते हैं कुरान के अंदर, वो वली सच्चे या ये मलंग सच्चे? कौन सच्चा? वो सच्चे पैगंबर के मस्जिद में कुछ मेहमान आए, अल्लाह के पैगंबर ने कहा कौन है जो इन मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, कौन है? एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे दे दी। घर ले गए, बीवी को कहा रब के मेहमान आ गए, नबी के मेहमान हैं, घर में ले आए हो, कुछ है, कुछ खाने को है? तुम्हारे बली तो पता नहीं क्या कुछ कर देते, कितना नहीं कर, बच्चा दे देते, 5 पाउंड का पीरा दिता, पीर बख्श, नबी बख्श, अली बख्श, औलादे मांगते हो, औलादे मिलती है। मुल्तान का जो है वो निजामुद्दीन औलिया की जो कब्र है, शाह महमूद कुरैशी के खानदान की जो कब्र है, वहां पर किताब में लिखा है, मुरीद बयान करता है, मौलवी बयान करता है कि एक औरत पीर साहब के पास आई और कहा बड़ा अरसा हो गया औलाद नहीं है। पीर साहब ने निगाह डाली लोहे महफूज पर और पढ़कर कहा तेरे मुकद्दर में औलाद देखा कहा है? लोहे महफूज पर। वो रोती हुई बाहर निकली, आगे उसका बच्चा छोटा सा खेल रहा था, उसकी निगाह पड़ी, उसने पूछा मां क्यों रोती है, क्यों रोती है? कहा तेरे अब्बा के पास आई थी बड़ी उम्मीदें लेकर कि औलाद नहीं है। उसने कहा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, नहीं है। और कुरान कहता है
अल्लाह ने हर चीज इल्ला फी किताब मुबीन लोहे महफूज में लिख रखी है। लोहे महफूज बैठा यार और देखता लोहे महफूज पर है। और अगर कोई बापरदा खातून आ जाए निकाब किया हुआ हो तो फिर उसे कहते हैं पर्दा उतार ताकि मैं तुझे पहचान लू, कल पुरसिराज से तुझे कैसे बचा कर लेकर जाऊंगा। वैसे देखता ऊपर है और औरत को निकाब के अंदर देख सकता। कमाल का पीर है तुम्हारा, कमाल का बुजुर्ग है। कहा आ मेरे साथ, अंदर गया और कहा इसको औलाद चाहिए। उसने कहा औलाद नहीं, इसके मुकद्दर में नहीं है। कहा अगर इसके मुकद्दर में होती तेरे पास क्या करने आती। आई है इसको औलाद को, उसने मुकद्दर को मिटा कर औलाद लिख दी और उसको बेटा पैदा हो गया। कहानी कहानी की है, किस किताब में है? नूरानी बयान करता है किताबों के अंदर न कुरान। कुरान कहता है यह बोली मई यशा विनाशा वह यह बोली मई यशा सुकून, जिसको चाहे बेटे दे दे, जिसको चाहे बेटियां दे दे। आओ यूसुफ की जो तुकरान महीना था, जिसको चाहे बेटे बेटियां मिलाकर दे दे। आओ यूसुफ की जो तुकरान महीना था भैया के आयु मई यशा अकीमा, जिसको चाहे पांच कर दे। अब कुरान सच्चा या तेरी मौलवी की करामत सच्ची? कुरान सच्चा, कुरान ऐलान कर रहा है आ मैं तुझे करामत दिखाऊं। कहा ये मेरे मेहमान है, कौन लेकर जाएगा? एक साहबी ने कहा मैं ले जाता हूं। घर गए, बीवी से कहा मेहमान है, खाने को कुछ है? कहा सिर्फ दो चपातियां, दो बच्चों के लिए, बच्चे भूखे उनके लिए सालन और रोटी थोड़ी सी है। कहा बच्चों को भूखा ही सिला दो, बच्चों को भूखा सुला दो, थपक थपक के ये सो जाएंगे बच्चे और वो खाना रब के मेहमानों को दे। उसने क्यों नहीं कह दिया था साहबी रसूल तो ये खाना उनको दे, मैं इन बच्चों को खुद ही खिला दूंगा, ले आऊंगा मैं रोटी बना दूंगा, करामत दिखा दूंगा। उसने कहा बच्चों को सुना दो, बच्चों को सुना दो। अरब के हाथ बगैर मेहमान के, मेजबान के, मेहमान खाना नहीं खाता। खाना लगा दिए, बीवी को एक मसला समझाया कि जब तुम अंदर आओगी सालन रखने के लिए मैं उन्हें कहूंगा खाना शुरू करो। वो खाना जब शुरू करेंगे जाते हुए हल्के से पल्लू से ये जो दिया जल रहा है इसे बुझा देना, जाते हुए चुपके से मैं खाली मुंह को हिलाऊंगा और मेरे मेजबान मेहमान मेरे वो खाना खाते रहेंगे, वो समझेंगे कि मेजबान भी खाना खा रहा है। क्यों नहीं करामत दिखाई? ये जो करामते बांटते फिरते हो, मेरे बापे की करामत है दुकान चमक उठी है, मेरे पीर की करामत है कारोबार चल पड़ा है, मेरे पीर का करम है भैंसों का रेवड़ बन गया है, भाड़ा बन गया है, बकरियों का रेवड़ बन गया है। तो ये आवाजें नहीं सुनता मार्केट में हमारे माशरे के अंदर। कहा इधर से जब तू पलटेगी अपने दुपट्टे से इस दिए को बुझा देना ताकि अंधेरा हो जाए। अब जो मेजबान है मेहमान है दोनों ये अंधेरे के अंदर है। तेरा बापा तो कब्र के अंदर से देख लेता है, बाहर मुरीद नहीं आई है या मुरीद आया, ये पैगंबर के सहाबी पैगंबर के मेहमान उस अंधेरे में ही नहीं देख सकते कि मेहमान खाना खा रहा है या वैसे ही मुंह चला रहा है। मैं तेरी करामतों पर ईमान कैसे लेकर आऊं? अला इन औलिया अल्लाह ला खौफ। वो जाते हुए
रोटियां रखी, साधन रखा, जो कुछ भी था पलटी। उसने कहा शुरू करो भाई, जल्दी करो, खाना शुरू करो। खाना खाने लगे, ये हल्के से कदमों से पलटी, रुपट्टे से दिए को मारा, दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया। तुम्हारे बाप तो ऊपर से देखकर बता देते अंदर पुत्र है कि पुत्री, बेटा के बेटी, दिया बुझ गया, ये खाली बुझ रहा है। और वो खाना खा रहे, खाना खा चुके, फरागत हो गई, फजर पर पैगंबर से मुलाकात हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को देखा और मुस्करा उठे, कहा अल्लाह के पैगंबर सदा मुस्कराते रहो, क्या बात है। फरमाया जो रात तूने कारनामा अंजाम दिए, रोटियां वो खाते रहे तू मुंह हिलाता रहा, खाना वो खाते रहे तू मुंह चलाता रहा, मेरे रब ने उस सारी कैफियत को कुरान बनाकर उतार दिए। वमई युग कशु नफसी, वमई युग कशु नफसी, ये वली है, अला इन औलिया अल्लाह, जिनकी रात के अमल को अल्लाह कुरान बना दे, ये वली है। अब इनके लिए दो इनाम है, ला खौफ, इन्हें कोई खौफ ना होगा, किस चीज का, जहन्नम का, इन्हें कोई खौफ ना होगा, पुल सिरात की सख्ती का, इन्हें कोई खौफ ना होगा, हशर के मैदान की सख्ती का, इन्हें कोई खौफ ना होगा, तराजू लगने का, इन्हें कोई खौफ ना होगा, नामाए अमाल के मिलने का, ला खौफ। अल्लाह ने दुनिया में इनका इम्तिहान ले लिया, उलाइक अल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने इनके दिल थे तक़वे का इम्तिहान ले लिया, इन्हें हशर की सख्तियां, हशर के मैदान, सूरज की गर्मी, पानी की प्यास, पुल सिरात से गुजरना, हौज़े कौसर पर पानी, जन्नत में दाखला, ला खौफ, ये बेखौफ खतर मैदान महशर में खड़े होंगे, वला हुम यहज़नून, और दुनिया के छोड़ने पर गम भी ना होगा, गम भी ना होगा। कैसे, ओहद का मैदान है, अम्र इब्ने जमू है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पांव लगड़ाता है, सही चलने के काबिल नहीं, औलाद ने कह दिए बड़े मार के कर लिए अब्बा जी, अब बूढ़े हो गए हो, टांग भी जख्मी है, अभी आप सही चल भी नहीं सकते, हम जवान आपकी औलाद है, हम जिहाद करेंगे। ये बूढ़े अम्र इब्ने जमू लंगड़ाते हुए पैगंबर की अदालत में पहुंच गए, अल्लाह के नबी ये जवान औलाद मुझे जिहाद नहीं करने देती, ये कहती है लंगड़े आप चलने के काबिल नहीं, अल्लाह के पैगंबर मैं लंगड़ाता हुआ इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। आपने फरमाया अम्र इब्ने जमू जाओ, खजूरें खा रहे थे, खजूरें खाते खाते चलो इसे पेट भर लेता हूं, वला हुम यहज़नून, ख्याल आया इतनी देर जन्नत से दूर, खजूरें फेंक दे, मैदान में उतरे, कत्ल किया, खुद कत्ल हुए। पैगंबर ने बच्चों को बुलाया और इधर आओ, अमर की औलाद इधर आओ, मैं देख रहा हूं अमर इब्ने जबू लगड़ाता हुआ जन्नत में दाखिल हो गया। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई गम ना होगा दुनिया छोड़ने का। अब वली की शनाख्त क्या है, एक तो मैंने आपको यहां बयान कर दी अहदीस से, कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो होता है जिसका रब पर ईमान होता है, वली वो होता है, अल्लज़ीना आमनू मोमिन वली होता है, इसलिए आप सब वली हैं। क्यों घबराते हैं, आपका अल्लाह पर ईमान है कि नहीं, कि वही देता है वही छीन लेता है, आपका रब पर ईमान है कि नहीं, कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। अल्लाह जी आमन, इसको उठाओ नहीं, ये सर नीचे क्यों देख बैठे, अल्लाह जी आमनू अल्लाह पर ईमान, जितना अल्लाह पर ईमान है उतना अल्लाह का वली है,
जितना मजबूत ईमान होगा विलायत में इतना ही ऊपर होगा। हमारी उम्मत की अक्सरियत, उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत का ईमान काली हंडिया पर, काली हंडिया पर मकान बनाया, करोड़ों रुपए लगाए, मंटी के ऊपर काली हंडिया उल्टी करके रखी हुई है। सैयद पूछते हैं ये काली हंडिया मकान की मंटी पर, कहा हां, ये घोड़े के पांव के नीचे से नाक लोहे का कड़ा हुसैन के घोड़े के नीचे से उतारा हुआ, वो गाड़ी के आगे लटकाया हुआ है। पूछा ये घोड़े का नाक यहां लटकाता है, कहा हां, हाथ के अंदर आखिरी उंगली के अंदर अली हजवेरी की कब्र से छल्ला लेकर पहना हुआ है, इस उंगली के अंदर फेरोदा पहना हुआ है, मनके पहने हुए, जंजीरों में पड़ा हुआ है। मैं पूछता हूं अल्लदीन आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, इसका ईमान काली हंडिया पर है। पूछा ये काली हंडिया करोड़ों रुपए लगाकर 50 रुपए की हंडिया वो भी काली उल्टी करके रखी हुई है, कहता है मकान को शरीकों की नजर नहीं लगेगी, मकान को शरीकों की नजर नहीं लगेगी, ये गाड़ी के आगे हुसैन का घोड़ा जो शमी है, दुलदुल जिसे कहते हो, वो लोहे का कड़ा घोड़े के चलने की वजह से घिस जाता है। अब घोड़े को अगर वही लगा रहे तो घोड़े का पांव स्लिप हो जाएगा, मातम के दिन ये गिर जाएगा। वो पुराना कड़ा जो घोड़े को गिरने से नहीं बचाता, इस मुसलमान ने उस नार को उठाकर अपनी गाड़ी के आगे लटका दिए। सैयद पूछते हैं जैदी ये क्यों लटकाया हुआ है, कहा ये घोड़ा दुलदुल हुसैन का, उसका ये लोहे का नार है, अगर ये लटका रहेगा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। कहा ये बवासीर का छल्ला तूने पहना हुआ है, अली हजवेरी की कब्र से लाए, कहा हां लाया, किस लिए, कहा बवासीर है, छल्ला पहन लिए बवासीर नहीं होगी। कल्लर कहार पर चला गया, वहां से कड़वा पानी लाए, कहा क्यों लाए, कहा इसलिए कि गुर्दों के अंदर तकलीफ है, कल्लर कहार का पीर गुर्दों की धुलाई करता है, अला हादल कयास ये मन के क्यों पहने हुए, बाबे की कब्र से लेकर आए हो, ये दरख्त का तस्बी बनाकर गले में क्यों डाली हुई है, जिगर का कैंसर ठीक होता है, ये बोलने वाले की भक्की क्यों लेकर आए, इससे पेट का अक्सर ठीक होता है। अल्लदीन आमनु, तेरा ईमान काली हंडिया पर, तेरा ईमान घोड़े के नाम पर, तेरा ईमान उल्टी जूती पर, तेरा ईमान बवासीर के छल्ले पर, तेरा ईमान रब के कुरान पर नहीं, इसलिए कुरान की दुकान में तू बनी नहीं, बनी के लिए पहली शर्त यह है आमनु, उसका रब पर ईमान। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1 ला खौफ, नंबर 2 वला हुम यहज़नून, नंबर 3 अल्लज़ीन आमनू, वो मोमिन होते हैं और मोमिन के गले में तावीज सोच लो वादियों ने भी पहने होंगे, मोमिन के गले में तावीज, बाजू पर इमाम जामिन बताओ और सारे सियासी वहाबी वहां पर बैठे हो और जबान से एक भी ना कह सके कि हमजा शहबाज ये बाजू से तावीज उतार शिरके अकबर की मौजूदगी में वहाबी का बैठना जायज नहीं, क्यों, अल्लदीन आमनु, उसका रब पर ईमान होता है, लेकिन सारों की जुबानों ने, जुबानों पर सियासत ने ताला लगा दिया है, जुबानें बंद हो गई है, क्यों, वोट लेने कुर्सी के लिए, वोट मांगने
तीर के लिए वोट मांग रहे हैं, शहर के लिए वोट मांग रहे हैं, मौत के लिए वोट। ये वोट मुझे तौहीद बयान करने देता? सोच, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, रंजिश नहीं, फसाद नहीं, सारे मेरे भाई हैं। लेकिन असूल की बात यह है, जहां शिर्क के अकबर हो वहां वली बैठ सकता? अल्लदीना आमनू, अल्लाह का वली जिसका रब पर ईमान होता है, किसी कब्र पर जाकर मुशरिक के लिए दुआ कर सकता? अल्लदीना आमनू, उसका रब पर ईमान होता है। अपने ईमान को तराजू में चेक करो। नंबर तीन, अल्लदीना आमनू, शाही तावीज नहीं काटना। तावीज क्यों? मैं हदीस हूं और मैंने हदीस से तावीज लिया। देते हो? मुझे नहीं पता यहां कोई पीर फकीर देता है वापी के लिए। मैंने बंदे में देखे, वहाबियों के गले में, बच्चों के गले में चांदी के अंदर गड़वा कर, मोती से चमड़े में सिला कर कुरान की आयत लिखी है शाह साहब, ये पूरा कुरान ही गले में डाल लो। एक आयत से जो शिफा मिलती है तो 30 बारों से तो बड़ी जल्दी एमरजेंसी शिफा मिलेगी। कभी किसी ने कुरान गले में डाला है? क्यों? तावीज तो बड़े शौक से डालते हैं। खुदावंद शिफा, मैं मुनकर नहीं, ये शिफा है, ये शिफा है। लेकिन मौलवी ने बिस्मिल्लाह का तर्जमा किया 786 और मुझे लिख कर दे दिए, ये गले में डाल। ये क्या है? ये बिस्मिल्लाह लिखी, फिर करा कर नमाज पढ़ते हुए, खाना खाते हुए क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ा करो। खाना सामने आए 786 और खाना शुरू माजरत के साथ। बिस्मिल्लाह का मतलब 786 है। इल्मुल आदाद के माहिरों ने ये हिस्से निकाले तो हर काम से पहले जहां बिस्मिल्लाह ही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, वहां कहा करो 786 वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कोई 786 खाना खाते हुए, कोई 786 वुदू करते हुए पढ़ता है? गले में क्यों डाल लिया? गले में क्यों डाल लिया? कहता है शाह साहब, शिफा नहीं है कुरान? बोलो, कुरान शिफा नहीं है? शिफा है। मैंने कहा कुरान शिफा, शहद, शहद, बोलो बोलो, शहद, शीन हा दो आंखों वाली और दाल, वो बेरी का शहद, वो फुलाई का शहद। वो एक आदमी था, अहले हदीस था, सच्चा वाक्य, वो शहद देता था और जिनको देता था वो कहते थे शाहजी असली शहर। कई साल खिलाता रहा शहर, आखिर उसने कहा कि मैं इलाका छोड़ के जा रहा हूं, अपनी में बैठा हुआ था, याद नहीं रहा। उस मुक्तदी ने कहा शहर कहां से ले लूं, उसे याद नहीं रहा ना, वो बादशाह भी तो है ना। उसने कहा मैं नुस्खा दे देता हूं, जो बना के देता हूं खुद बना लेता। नुस्खा होश आई, मैंने ये क्या कह दिया? असली शहर
और शहर में शिफा, मैंने कहा शहर शिफा कर, मैंने कहा किलो की बोतल मैला देता हूं, असली शहद होगा रस्सी बांध कर गले में लटका ले तो शिफा। वो तावीज पहनने वाला बाप भी कहता है शादी शहद को लटकाया नहीं जाता, शहद को खाया जाता है। मैंने कहा कुरान को लटकाया नहीं जाता, कुरान को पढ़ा जाता है। अल्लाह की बात तो किसी औरत के हाथ में था।
सच्चा है कि झूठा? सच्चा है। तुमने बीबी को अपने आगे लगाया हुआ, पीछे जूतियां उठाते फिरते हो, कैसे वापी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।